मैट्रिक पर एवं प्लस टू परीक्षा बातिल दाबी जोर धरी परीक्षा बातिल दाबी ने युक्त दुई छात्र छात्री रास्ता को ओल्लाई विभिन्न कॉलेज छात्र छात्री भुवनेश्वर लोअर पीजीएम आंदोलन करुछंती। पूर्वरु मैट्रिक छात्र छात्री आंदोलन करिबा परे दशम बोर्ड परीक्षा बातिल करथिले सरकार। कोरोना संक्रमण पर एवं प्लस टू परीक्षा मध्य स्थगित रही। ए संपर्क में सूचना दे मंत्री दास कहते पाने मैट्रिक परीक्षा न दिंतु किंबा परीक्षा बंद हो जाऊ एमती इच्छा राज्य सरकार को नाला अवस्था एपरी है आम बाध्य परीक्षा बंद करवा लगी किंतु युक्त दुई परीक्षार्थी पाठपढ़ मनोनिवेश करतु। मुख्यमंत्री जहाँ कहते से ही अनुसार जून में ही युक्त दुई परीक्षा हे कि ना से संक्रांत निष्पत्ति बोली विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कही सूचना था कि दशम श्रेणी परीक्षा बातिल मुख्यमंत्री गत 21 तारीख दिन भेटी छात्र छात्री छात्र छात्री दाबी अनुजाई सीबीएसई और आईसीएसई पर मैट्रिक परीक्षा बातिल नहीं घोषणा कर राज्य सरकार। कोरोना संक्रमण दृष्टि को यह निष्पत्ति सूचना देते राज्य गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। यहाँ मद्रासा परीक्षा को मध्य सरकार बातिल करते बोर्ड निर्धारित पद्धति अनुजाई परीक्षाफल घोषणा होब रिजल्ट नहीं असमित हेले परवर्ती समय परीक्षा होब। कोरोना स्थिति को देखी बोर्ड परीक्षा तारीख घोषणा करा जीवो बोली कहा जाई थिला। मैट्रिक परीक्षा बातिल हेबा परे प्लस टू परीक्षा बातिल नहीं छात्र छात्री माने रास्ता को ओल्लाई जाई थिले। जदि मैट्रिक परीक्षा बातिल हेला तेबे आमर काहेकि हेबनी बोली अड़ी बसी थिले छात्र छात्री माने। प्रथमतः क्लास रे पाठपढ़ा होइनै ता सांग को मध्य कोरोनार भय रहुछि। ए सब कु दृष्टि रखि परीक्षा बातिल करबा पई छात्र छात्री माने दाबी रखिथिले। अन्यपटे गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहते प्लस टू छात्र छात्री माने जून पर्यंत पाठ पढ़ा दरकार जून प्रथम सप्ताह सरकार स्थिति को देखि निष्पत्ति धन्यवाद। जदि आपण माने वर्तमान पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तले सब्सक्राइब करूँ वीडियो गुड़ा को लाइक करूँ एवं कमेंट रे आपण टिप्पणी दिंतु। धन्यवाद पुणि थरे देखा साक्षात होगा परवर्ती वीडियो रे।